बोलिए चंद्रकांता, आप युवराज शिवदत्त के विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करेंगी ना? नहीं। कभी नहीं। माफ कीजिए पिताजी, हम युवराज शिवदत्त से विवाह नहीं कर सकते। एकांत, पर क्यों? युवराज शिवदत्त तिलिस्म के असली हकदार हैं। उनके प्रस्ताव को मना करना कोई तो कारण होगा। वो तिलिस्म के हकदार होंगे पिताजी, पर हमारे दिल के नहीं। चंद्रकांता, युवराज शिवदत्त के प्रस्ताव को ठुकराने से विजयगढ़ और नौगढ़ के बीच के रिश्ते में दरार पड़ सकती है और शायद विजयगढ़ को इसके लिए एक भारी कीमत भी चुकानी पड़े। महाराज, आप राजकुमारी चंद्रकांता को युवराज शिवदत्त से प्रेम करने के लिए विवश नहीं कर सकते। चंद्रकांता को अपने जीवन साथी का चयन करने का पूरा अधिकार है। चंद्रकांता, आप लंबी यात्रा से आई हैं, आप विश्राम कीजिए। इस विषय में हम बाद में चर्चा करेंगे। स्वागत है भैया, स्वागत है आपका। देखिए भैया, आपको विजयी होकर लौटता देख नौगढ़ की प्रजा कितनी उत्साहित है। आइए, चाचा जी दरबार में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए। युवराज शिवदत्त पधार रहे हैं। युवराज शिवदत्त की, 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 युवराज शिवदत्त की। आओ शिवदत्त, नौगढ़ के युवराज का राज दरबार में हम स्वागत करते हैं। भैया, अब और इंतजार नहीं होता, जरा हम सबको भी तो दर्शन करवाई ना उस तिलिस्मी चाबी का। गुड इवनिंग, युवराज अभी लंबी यात्रा से लौटे, कृपया आप ये सब बातें बाद में आराम से कर लीजिएगा। अरे तेज सिंह जी, तिलिस्म की चाबी। बंद करो ये सब। अब किससे कहानियां हैं सुन रहे हैं आप?
सब किस्से कहानियां हैं, ना कोई तलिस्म है, ना कोई चाबी और ना ही कोई शक्तियां। अरे हमें तो जाना ही नहीं चाहिए था यक्ष महल, वो तो हमारे इन पूजनीय पिताजी ने जिद की और भेज दिया जबरदस्ती हमें वहां पर। होश में तो हो ना तुम शिवदत्त, कैसी बातें कर रहे हो तुम? ये सदियों पुरानी भविष्यवाणियां, ये तिलस्म की हकदारी और ये मायावी शक्तियां, इन सबको बस तुम खिस्से कहानियां बता रहे हो। नशे में धुत होकर अपने नौगढ़ के प्रजा के सामने ये कैसा व्यवहार है तुम्हारा शिवदत्त? शुक्र मनाइए पिताजी कि हम यहाँ नौगढ़ में लौट के आए हैं, वरना हमारा इरादा सीधा विजयगढ़ जाने का था। ऐसा लगता है कि राजकुमारी चंद्रकांता के रूप के जादू से हमारे तिलिस्म के हकदार भी नहीं बच पाए हैं। मोहब्बत इतनी परवान चढ़ रही है तो फिर ये रिश्ता पक्का समझे हम बड़े भैया। दुश्मनी में भी एक रिश्ता कायम हो सकता है रे भाई, यदि शिद्दत से निभाई जाए तो दुश्मनी की भी अपनी एक अदा होती है। प्यार का अपना कोई रंग हो ना हो, नफरत का रंग जरूर पक्का होता है। नफरत, दुश्मनी, साफ साफ क्यों नहीं बताते शिवदत्त? बात क्या है? साफ साफ बात यह है पिताजी कि उसने हमारा युवराज शिवदत्त का अपमान किया है, वो भी एक बार नहीं, दो दो बार पिताजी, दो दो बार। बहुत गुरूर है ना उसे अपने हुस्न पर, उसका ऐसा हश्र करेंगे हम पिताजी कि आईना भी उसकी सूरत देखकर सिहर उठेगा। ये क्या करे तुम शिवदत्त, आखिर चंद्रकांता ने ऐसा क्या किया है? उसने हमें परखना चाहा है पिताजी, अपनी दासी को राजकुमारी बनाकर उसने हमारे पास परखने के लिए भेजा। हम उसे इस तरह नाराज मत होइए, आइए मेरे साथ। हम उसके गुरूर को तोड़ देंगे तेज सिंह, हम उसके गुरूर को तोड़ देंगे, सुन रहे हैं पिताजी आप? तबाह कर देंगे हम विजयगढ़ को, तबाह कर देंगे विजयगढ़ को हम। दिलदारी से भी गए, हकदारी भी ना मिली, ये तो ना इस जहां के रहे ना उस जहां के। रिश्म की चाबी हासिल करने का दायित्व मैंने तुम्हें सौंपा था वीरेंद्र। तुमने ये गुनाह उस लड़की चंद्रकांता की वजह से किया। एक स्त्री के लिए तुमने मेरे वर्षों की तपस्या को पल में खत्म कर दिया। गलती किसकी और खतावार कौन? मेरा दोस्त, मेरा भाई ये सजा भुगत रहा है। आखिर वो तिलिस्म की चाबी गई तो कहां गई? हे सूर्यदेव, आज समय से पहले अपनी किरणें समेट लो और अस्त हो जाओ, क्योंकि जब तक तुम रोशन रहोगे मेरे दोस्त, मेरे दोस्त के हाथ नहीं थमेंगे। सुनो, सुन सकते हो तो उस चाबुक की आवाज को सुनो, इस चाबुक की एक एक फटकार पे चुनारगढ़ के चिराग की रोशनी धूमिल हो रही है। कहां है तिलिस्म की चाबी?
दृश्य की चाबी पंडित जगन्नाथ। महाराज रमन झूठ न बोले, अपनी सारी शक्तियां पूरा सामर्थ्य लगाकर देख लिया किंतु कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि वो चाबी गई कहां। महाराज तिलिस्म की वो चाबी वीरेंद्र ने हासिल की थी वो सत्य कह रहा है। मैं तुमसे वीरेंद्र का चरित्र चित्रण नहीं मांग रहा हूं जगन्नाथ। मैं आपका मतलब नहीं समझ पा रहा हूं महाराज। क्या तुम्हारी शक्तियां इतनी क्षीण हो गई हैं कि तिलिस्म की चाबी कहां है ये भी पता नहीं लगा पा रही। महाराज इस रहस्य का भेद खोलने का प्रयत्न मैं कर रहा हूं किंतु किंतु क्या अत्यंत शक्तिशाली कोई मायावी शक्ति चाबी को घेरे हुए हैं, छुपाए हुए हैं। माया का ऐसा चक्कर व्यूह रचा है उसने, उसे भेद पाना मेरे लिए अत्यंत कठिन होता जा रहा है। जगन्नाथ पर मेरी तलवार के लिए तुम्हारी गर्दन को भेदना अत्यंत सरल है पंडित जगन्नाथ। अगर तुम्हारी आंखों की लौ कमजोर पड़ गई हो तो इन दियों को बुझा देते हैं। क्षमा महाराज किंतु रमल झूठ ना बोले, मुझे और थोड़ा समय दे। मैं अपनी सारी शक्तियों के साथ शीघ्र इस बात का पता लगाऊंगा कि वो तिलिस्म में चाबी कहां पर है। वीरेंद्र रुक जाओ, सूर्यास्त हो चुका है वीरेंद्र, और रमा तुम्हारा शरीर छल्ली हो चुका है वीरेंद्र, अब रुक जाओ। वीरेंद्र 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 कोई मामूली दासी नहीं, विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता है। हमने पूछा कौन हो तुम? हमें लगता है कि आपका रुतबा ही आपकी ताकत है। क्या आप इस लकड़हारे से लड़कर हमें यकीन दिला सकते हैं? क्या हुआ युवराज? लगता है युवराज के ख्यालों में अभी भी राजकुमारी चंद्रकांता ही घूम रही हैं। अब तो आप हमें ही राजकुमारी मान लीजिए, वैसे भी वो आपके हाथ तो आने से रही। पर तू तो हमारे हाथों में है ना? आज तेरा हम वो हश्र करेंगे कि कोई भी दासी अपनी औकात नहीं भूलेगी। सच कहा है किसी ने, मरने वाला कभी झूठ नहीं बोलता। मर गई पर सच कह गई है ये। चंद्रकांता तुम में से ही कोई एक होगी। दासी बनेगी वो हमारी,
दासी, दासी। चंद्रकांता हमारी दासी बनेगी अब। चोट आई, चोट तुम्हें लगी है और दर्द हमें भी हो रहा है। जख्म गहरे हैं, पर वक्त के साथ ये भी भर जाएंगे। क्यों आई हो तुम यहां? मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती तुम चली क्यों नहीं जाती? जाओ यहां से। क्यों नहीं हो मेरी बात? हाँ, मुझे नहीं जरूरत तुम्हारी। चली जाओ यहां से, चली जाओ, जाओ यहां से। बस बहुत हो गया। तुम ऐसे नहीं मानोगी, मेरी हालत तुम्हारी वजह से हुई है। तुम्हारी वजह से मैंने पिताजी को दुख पहुंचाया। मैं आज ये किस्सा ही खत्म कर दूंगा। वीरेंद्र, क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गए हो क्या? अरे तुम्हारा दोस्त हूं बद्री वीरेंद्र। जरा सी चूक हो जाती तो मेरा सर और मेरा धड़ अलग हो जाता। अभी कभी किसे मारने की बात कर रहे थे तुम? किसी को भी नहीं। झूठ मत कहो वीरेंद्र, मैं अच्छी तरह जानता हूं ये कोई तो है तुम्हारे ख्यालों में आता और तुम्हें परेशान करता। मैं फिर से वो लड़की चंद्रकांता तो नहीं? मैं गैरों से निपट लूंगा बद्री, पर मैं उनका क्या करूं जो मेरे अपने हैं? क्या करूं? मतलब नहीं समझा मैं तुम्हारा, क्या कहना चाह रहे हो वीरेंद्र? तिलिस्म की चाबी मैंने तुम्हें दी थी, यह सोचकर कि तुम उस चाबी की रखवाली अपनी जान से ज्यादा करोगे। मैं गलत था। वीरेंद्र, मैं एक अय्यार हूं, मैं चेहरे बदलता हूं, ईमान नहीं, कोई दगाबाजी नहीं की मैंने। तुम्हारा बद्री दगाबाज नहीं है वीरेंद्र। तो फिर वो चाबी गई कहां? संभालो वीरेंद्र, संभालो अपने आप को। तुम कमजोर हो, संभालो अपने आप को। चाबी कहां गई? मेरा भी दिमाग फट गया ये सोच सोच कर कि तिलिस्म की चाबी गई तो गई कहां? गया जमीन, कहा गई आसमान, निकल गया।
कुछ नहीं पता। सुनिए सुनिए, मुसाफिर हूं, बहुत दूर से आया हूं, प्यास लगी है, जरा पानी पिला दीजिए। याद आया वीरेंद्र, पानी पियो। हर पल वो तिलिस्मी की चाबी मैंने अपने सीने से लगा कर रखी, सिवाय एक जगह के। उसी पल के लिए मेरी नजर तिलिस्म की चाबी से हटी थी वीरेंद्र, बस वही एक चूक हो गई मुझसे। निश्चित तौर पर तिलिस्म की चाबी उस औरत ने ही चुराई वीरेंद्र, उस औरत ने। कौन थी वो औरत, ऐसा क्यों किया, कैसे ढूंढूंगा मैं उस औरत को, ढूंढूंगा कैसे, कैसे? विजयगढ़ के महाराज को नौगढ़ के सेवक झुमरू का प्रणाम। महाराज, अत्यंत हर्ष के साथ आपको सूचना देना चाहता हूं कि हमारे युवराज शिवदत्त ने आपकी सुपुत्री चंद्रकांता के साथ विवाह का प्रस्ताव भेजा है। महाराज ने आपको अचानक दरबार में क्यों बुलाया? नौगढ़ का दूत, वो भी उपहारों के साथ। लगता है राजकुमारी जी के लिए शगुन आया है। लेकिन हम तो कह चुके हैं कि हम युवराज शिवदत्त से विवाह नहीं करेंगे। राजकुमारी चंद्रकांता को झुमरू का प्रणाम। राजकुमारी, आपको जानकर अत्यंत खुशी होगी कि युवराज शिवदत्त ने विवाह के शगुन में आपके लिए बहुत सारे उपहार भेजे हैं। चंपा, चपला, नौगढ़ से आई हुई भेंट को स्वीकार करो। लेकिन पिताजी, चंद्रकांता। पुराने कपड़े, युवराज शिवदत्त की जूतियां, सब्जियां, तरकारियां, मूंगफली, चने, ये क्या मजाक है? आप हमें उपहार देने आए हैं या हमारा उपहास करने? ये सब क्या है झुमरू? इससे अच्छे कपड़े तो हमारे राज्य की दासियां पहनती। सूखे मेवों की जगह यहां पर ये मूंगफली, फलों की जगह ये सब्जियां,
महाराज, ये तो विजयगढ़ का अपमान है। झुमरू, हमें नहीं मालूम था कि नौगढ़ का राज्य इतना दीनहीन और गरीब है। ये थाल में जूतियां क्यों सजी? क्षमा करें क्रूर सिंह जी, किंतु आपके सारे सवालों का जवाब ये इस संदेश में लिखा है। लीजिए ना। महाराज, अगर आपका आदेश हो। आप उसे हाथ में धरे हुए क्या कर रहे हैं क्रूर सिंह जी? पढ़िए उसे। महाराज, विजयगढ़ के महाराज जय सिंह को युवराज शिवदत्त का सादर प्रणाम। हम आपको यह सूचित करना चाह रहे थे कि हमें आपकी पुत्री चंद्रकांता से विवाह का प्रस्ताव मंजूर है। लेकिन एक शर्त। क्या शर्त? पढ़ो क्रूर सिंह। रुक क्यों गए क्रूर सिंह? आगे पढ़ो, क्या शर्त है? जी महाराज, शर्त यह है कि राजकुमारी चंद्रकांता को विवाह के बाद रानी बनकर नहीं बल्कि हमारी क्या क्रूर सिंह? हमारी दासी बनकर रहना पड़ेगा। इसलिए ये उपहार हमने उनके लिए भेजे। एक दासी की औकात इससे अधिक और क्या हो सकती है? खामोश, खामोश! क्या गुस्ताखी है ये चंद्रकांता का अपमान है, हमारा अपमान है, पूरे विजयगढ़ का अपमान है। क्षमा कीजिए महाराज, किंतु मैं तो एक सेवक हूं और मुझे जो संदेशा दिया था मैं वो आप तक ले आया। अब ऐसे क्रूर सिंह जी, ये संदेशा खत्म नहीं हुआ है, इसे आगे पढ़िए ना, पढ़िए। यदि विजयगढ़ के राजा जय सिंह को हमारी ये शर्त मंजूर नहीं है तो फिर उन्हें नौगढ़ के साथ क्या क्रूर सिंह? पढ़ो आगे। महाराज, उन्हें नौगढ़ के साथ युद्ध करना पड़ेगा। और ये बात तो आप भी जानते हैं महाराज कि नवगढ़ के मुकाबले विजयगढ़ की कोई औकात नहीं। इस तो नाबूद हो जाएंगे आप, नामो निशान मिट जाएगा विजयगढ़ का। अब फैसला आपके हाथ में है महाराज, अपनी घमंडी बेटी को हमारी दासी बनाए या आप हमारे बंदी बनेंगे। बस मति मारी गई है आपके युवराज की। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारे युवराज का। हम मानते हैं कि इस वक्त विजयगढ़ नौगढ़ से कमजोर है, उसका मुकाबला नहीं कर सकता, पर इसका यह मतलब नहीं है कि हमें तुम्हारे युवराज इस तरह अपमानित करेंगे। हमारे स्वाभिमान को चुनौती दें,
जाओ, जाओ। कह दो अपने सरफिरे युवराज से ये विजयगढ़ के लोग अपनी गर्दनों की भेंट चढ़ा सकते हैं, अपनी बेटियों की नहीं, बेटियों की। चलो चलो। आप ही हमें बताइए कि हम क्या करें। बहुत बड़ी दुविधा में हैं हम। एक तरफ हमारी अस्मिता, हमारा स्वाभिमान, हमारी आकांक्षाएं, और दूसरी तरफ विजयगढ़ की प्रतिष्ठा, मान सम्मान और हजारों लोगों की जिंदगी का सवाल है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम करें तो क्या करें। मां, इतना दुखी मत हो ये राजकुमारी जी, कोई ना कोई हल अवश्य निकल आएगा। हाँ राजकुमारी जी, आप इतना मत सोचिए, हम सब मिलकर अवश्य कोई ना कोई तरीका निकाल लेंगे, जिससे ना ही आपकी अस्मिता पर कोई आंच आएगी और ना ही विजयगढ़ पर युद्ध के बादल मंडराएंगे। आप बस जरा धैर्य रखिए। रहस्य दिखाओ मुझे, यह संभव संभव कैसे हो गया? मैंने कहा दिखाओ मुझे। एक ऐसा मायाजाल है, एक त्रिकालदर्शी जो भूत वर्तमान देख सकती है, इतना भी नहीं भेद पा रही। रमल झूठ न बोले महाराज, ये माया जाल जिस मायावी शक्ति ने रचा है, संभवतः ये मायावी शक्ति चाहती ही नहीं कि ये तिलिस्म की कुंजी आप तक पहुंचे। कौन
उसकी ऐसी शक्ति है जो मारिस से टकरा रही है, और ऐसा करने के पीछे उसका क्या उद्देश्य हो सकता है? कहीं वो वीरेंद्र को उसका पुनर्जन्म तो याद नहीं दिलाना चाहता? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे वीरेंद्र को चंद्रकांता से दूर रखना होगा। तिलिस्म की कुंजी मुझे किसी दूसरे तरीके से हासिल करनी होगी। आपने मुझे याद किया पिताजी। गलतियां तुम करो और उसकी भरपाई करें हम। तिलिस्म की कुंजी खोई तुमने और उसको ढूंढे हम। वो गलती मेरी थी पिताजी, उसे ढूंढना मेरी जिम्मेदारी है। तो मेरे जिम्मेदार पुत्र, तुम ये नहीं जानना चाहोगे कि उस तिलिस्म की कुंजी इस वक्त है कहां? कहां है पिताजी? विजयगढ़ के राजमहल में, राजकुमारी चंद्रकांता के कक्ष में। और पैतलिस में चाबी उस औरत ने ही चुराई वीरेंद्र। पिताजी, पत्री ने मुझे बताया कि वो कुंजी, वो चाबी एक औरत ने इससे चुराई थी। जब ये चुनारगढ़ आ रहा था तो फिर? महाराज, रोम होने से पहले तिलिस्म की चाबी आखिरी बार मेरे पास ही थी, लेकिन आप कह रहे हैं कि चाबी। ये नहीं जानता कि वो तिलिस्म की कुंजी वहां तक पहुंची कैसे, या वो औरत कौन थी, लेकिन वो कुंजी विजयगढ़ में ही है, ये बात निश्चित है। और अब हमें यह रणनीति बनानी है कि वो तिलिस्म की कुंजी यहां तक कैसे पहुंचे। पिताजी, मैं आपके क्षमा के योग्य तो नहीं हूं, पर मुझे एक मौका और दीजिए। इस बार मैं उस तिलिस्म की चाबी को हासिल कर लूंगा। इस बार आपको कोई भी मौका नहीं दूंगा शिकायत का। इतना बड़ा विश्वासघात करने के बाद मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा, तुम पे विश्वास करूं। ऐसा नहीं होगा। इतना बड़ा विश्वासघात करने के बाद मैं तुम पे विश्वास नहीं करता मेरे पुत्र। तुम्हारे लिए सबसे बड़ी सजा यह होगी कि इसी क्षण से तुम चुनारगढ़ के बाहर कदम नहीं रखोगे। और यही तुम्हारा प्रायश्चित होगा। महाराज, 100 खूंखारों का दस्ता लेकर तुम इसी वक्त विजयगढ़ रवाना होगे। याद रहे, तिलिस्म की कुंजी लिए बिना तुम अपनी शक्ल तक नहीं दिखाओगे। जो हुक्म महाराज। पिताजी, मुझे आपका खोया विश्वास वापस हासिल करना है। मुझे सिर्फ एक मौका दीजिए पिताजी, मैं आपको इस बार निराश नहीं होने दूंगा। मुझे विजयगढ़ जाने से वंचित मत कीजिए।
फिर चाहे आप मेरा सर कलम कर दीजिए, पर इतनी बड़ी सजा मत दीजिए मुझे, मत दीजिए। मैं जानता हूं मेरे पुत्र वीरों से उनका शस्त्र, उनका पराक्रम, उनका रण छीन लेना ही उनकी सबसे बड़ी सजा है। पर पूछो अपने आप से कि सजा का जिम्मेदार कौन है, तुम या फिर वो लड़की चंद्रकांता?